कहानी तीन बाढ़ गो आनो। बहुत समय बाद संसार में बहुत सा लोग रहता हा, वे बड़ा ही दुष्ट और हिंसा करने आला हो गया। ओ इतो बुरो होयो के परमेश्वर एक बड़ी बाढ़ मु ई पूरे संसार ने नष्ट करने को फैसलो करयो। पर परमेश्वर नू मु खुश हो, वो दुष्ट आदमिया मु एक धर्मी आदमी हो। परमेश्वर नू ने बतायो के वो एक बड़ी बाढ़ ने लेगे आन आलो है, ई खातिर नू ने एक बड़ो समुद्री जहाज बनाने खातिर कहो। परमेश्वर नू ने लगभग 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंचो जहाज बनाने खातिर कहो। नू बिने लकड़ी मु बनायो हो और बिमे तीन तल, बहुत सा कमरा, एक छत और एक खिड़की बनानी ही। वो जहाज नू बंगे परिवार और जमीन गए हर तरिया का जानवरा ने बाढ़ मु सुरक्षित रखेगा। नू परमेश्वर की बात मानी, बने और बंगे पुत्र बिया ही जहाज बनायो जिया परमेश्वर बतायो हो, क्योंकि वो जहाज बहुत बड़ो हो। ई खातिर बिना बनान में कई साल लाग गया। नू लोगा ने आन आली बाढ़ खातिर बतायो और बने परमेश्वर कानी फिरन गोक्यो, पर बां बिंगे ऊपर विश्वास को नहीं करयो। परमेश्वर नू और बिंगे परिवार ने अपने खातिर और जानवरा खातिर भोजन इकट्ठो करने की आज्ञा दे दी। जद सारो की तैयार हो, परमेश्वर नू ने कहो, ओ समय बिंगे बिंगी पत्नी गे बिंगे तीन पुत्रां गा और बांगी पत्नियां गा कुल मिलागे 8 जना जहाज में जानो हो। परमेश्वर हर जानवर और पक्षी गा नर और मादा ने नू कन्ने भेजो कि बा जहाज में जा सके और बाढ़ मुँह आप सुरक्षित रेवे। परमेश्वर हिसा हरेक तरिया गा जानवरा गा 7 नर और 7 मादा ने भेजो जिन्हें बलि चढ़ाने खातिर उपयोग करो जा सके। जद बे सारे जहाज में पहुंच गया तो आप परमेश्वर भी दरवाजा ने बंद कर दियो। ते बारिश पड़नो शुरू हो गयो और बारिश पड़ती रही, बिना रुके 40 दिन और 40 रातां तक बारिश पड़ती रही। सारा संसार की हर एक चीज अठे तक के ऊंचा ऊंचा पहाड़ पर्वत पानी में डूब गया। सूखी जमीन पर रहण आली सारी चीजा मर गई, बां लोगा ने छोड़ गए और जानवरा ने छोड़ गए। जिका जहाज में हा वो जहाज पानी गए ऊपर तैर तो रहे हो और जहाज गए मां आली हर एक चीज ने डूबण मु सुरक्षित रखियो। बारिश रुकण गए बाद 5 महीना तक वो जहाज पानी पर तैर तो रहे हो और समय का चालता पानी घटन लाग रहे हो। एक दिन वो जहाज पहाड़ की चोटी पर जागे टिक गयो, पर संसार अब ताई पानी मुँह ढकड़ो हो। 3 महीना बाद पहाड़ा की चोटियां दिखन लाग गई। फिर और 40 दिना के बाद नू एक कोवे ने देखन खातिर बारे भेजो, पानी गए सूख गयो हो। वो कोवो सूखी जमीन की खोज में इन्ने बिन्ने उड़तो रहे हो, पर बिना इसो कोई स्थान को नहीं मिलियो। फिर बाद में नू एक कबूतरी ने बारे भेजो, पर बिने भी कोई सूखी जमीन को नहीं मिली। ई खातिर वो नू ने कन्ने वापिस आ गई। एक हफ्ते बाद बने भी कबूतरी ने फिर भेजो और वो आपगी चोंच में जैतून की एक टाणी लेके वापिस आई। पानी घटे आवा हो और पौधा फिर उगे आवा हा। नू एक हफ्ते ताई इंतजार करियो और तीसरी बार भी कबूतरी ने बारे भेजो। ई बारी बिने रुकण गो स्थान मिल गयो और वो वापिस को नहीं आई, पानी सूखे आवा हो। 2 महीना बाद परमेश्वर नू ने कहो, अब तू और तेरो परिवार और सारा जानवर जहाज मु निकल आओ। वो सारी संताना और पोता परपोता पैदा करो और पृथ्वी भर दियो। नू और बिंगो परिवार जहाज मु बारे निकल आयो। नू जहाज मु बारे आन के बाद बने एक बलि करन खातिर एक जगह बनाई और बलि में उपयोग करन आला हर तरिया का जानवरा मु ले गए बलि चढ़ाई। परमेश्वर भी बलि मु खुश होयो और नू और बिंगे परिवार ने बरकत दी। परमेश्वर कहो, मैं प्रतिज्ञा करूं के आदमिया द्वारा करया जान आला बुरा कामा गए कारण मैं फिर कदे भी जमीन ने श्राप को नहीं दूंगा या बाढ़ मु संसार ने खत्म को नहीं करूंगा।
पर आदमी पैदा होण मूही पापी है। फिर परमेश्वर आपकी वाचा गए चिन्ह गए रूप में पहली सात रंगी मेघ धनुष न बनायो। जद कदी भी आकाश में सात रंगी मेघ धनुष दिखे है तो परमेश्वर याद करेगो के बने के प्रतिज्ञा करी है, और बिया ही बिंगा लोग याद करेगा।